लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। ये रोक आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक के लिए लगाई गई है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ कल कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठेंगी। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी के प्रचार पर लगी रोक को लोकतंत्र का काला दिन कहा है। 2 अप्रैल को ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों से अपना वोट बटने नहीं देने की अपील की थी। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। इलेक्शन के समय जिस तरह से आपने अपील की वो सरासर गलत था और जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही है। इससे पहले चुनाव आयोग ममता बनर्जी को केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने के मामले में भी नोटिस जारी कर चुका है। 2 दिन पहले कूच बिहार में हुई हिंसा के बाद ममता बनर्जी हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करना चाहती थी। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कूच बिहार जाने से भी रोक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियां की। बर्धमान, कल्याणी और बारासात की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कूच बिहार की हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। दीदी के करीबी अब कहने लगे हैं कि बीजेपी का वोट देने वालों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। हालत तो ये हो गई है कि दीदी अब केंद्रीय वाहिनी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं को भड़का रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के गुस्से पर भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा कि हार के डर से ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ गई है। दीदी तैयारी करके बैठी थी कि पार्टी की कप्तानी भाइपो को सौंपेगी। दीदी का सारा खेला धरा का धरा रह गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल के कलिंगपोंग और सिलीगुड़ी में रोड शो किया, जबकि धूपगुड़ी और हेमताबाद में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनके बयानों की वजह से ही कूच बिहार में हिंसा भड़की। दीदी अगर आप भाषण ना करती ना तो 4 युवाओं की मौत न होती। आप उनको न उकसाती तो 4 युवाओं की मौत न होती। ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और दावा किया कि हिंसा की प्लानिंग अमित शाह ने ही की थी। तदंत तो করবই, আসল ঘটনা বের করবই। এর আগে প্ল্যান করে কে কে মিটিং করেছে, কারা কারা গুলি চালিয়েছে, টোটালটাই করেছে অমিত শাহ। আমি এখনো বিশ্বাস করি টোটালটা প্ল্যানিং করেছে ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার অমিত শাহ। প্রধানমন্ত্রী জানে এবং প্রধানমন্ত্রী এটা শোভা পায় না। গুলি করে খুন করার পরে উনি ক্লিনচিট দিচ্ছেন। बिहार के शहीद SHO अश्वनी कुमार के परिवार वालों ने आज बड़ा आरोप लगाया। परिवार वालों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में मस्जिद से ऐलान करके भीड़ इकट्ठा की गई। इसके बाद भीड़ ने पीट पीट कर SHO अश्वनी कुमार की हत्या कर दी। स्पीकर से अनाउंसमेंट हुई है वहाँ पे मस्जिद से अजान जो होता है, अजान से वो लोग, जैसा हम लोग को बताया गया है कि अजान के समय ही वो लोग भीड़ इकट्ठा किया अजान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मॉब लिंचिंग में शहीद हुए अश्विनी कुमार की हत्या पर ममता बनर्जी से सवाल पूछे। बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। दीदी क्या वो आपके लिए मां नहीं थी? आप इतनी कठोर है, इतनी निर्मम है, इसका अंदाजा बंगाल की किसी माँ को कभी नहीं था। शनिवार को अपराधियों का पीछा करते हुए SHO अश्वनी कुमार बिहार के किशनगंज से पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर पहुंच गए थे, जहां लोगों ने पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। अश्वनी कुमार की मौत की खबर सुनकर उनकी माँ की भी मौत हो गई थी। देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। भारत में पहले से मौजूद कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद स्पुतनिक वी तीसरी कोरोना वैक्सीन होगी। स्पुतनिक वी ने वैक्सीन उत्पादन के लिए 5 भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया है। फिलहाल डॉक्टर रेड्डीज लैब इसे भारत में तैयार करेगी। स्पुतनिक वी 91.6% कारगर है।
उधर वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई जारी है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन की कमी को मुद्दा बनाकर एक के बाद एक कई बार किए। 385 दिन में भी कोरोना से लड़ाई नहीं जीत पाए, उत्सव ताली थाली बहुत हो चुके, अब देश को वैक्सीन दो। उधर सरकार ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक्सक्यूजेज बहानेबाजी ये सब बंद होनी चाहिए। खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी।